खाना मज़ेदार होने के लिए एक तो टेस्टी होना चाहिए फुल, मतलब एक बाइट लें मुंह में मज़ा सा आ जाए, कई फ्लेवर्स हों, पैलेट पे एकदम सूदिंग बैठे। दूसरा, अगर अच्छी कहानी हो साथ में तो डबल मज़ा आ जाता है। तीसरा, अगर गर्मा गर्म खाएँगे ताज़ा तवे से उतरा हुआ तो दैट इज़ ऑल्सो सोने पे सुहागा। तो ये कहानी शुरू होती है 2008 में सुंदर चाट की, सेक्टर 56 हुडा मार्केट गुरुग्राम में। 2008 में शुरू की इन्होंने सुंदर चाट भंडार, जहाँ पे इन्होंने शुरू की आलू की टिक्की और गोलगप्पे। आगे बढ़ के इनकी दुकान वहाँ से शिफ्ट हो गई, यहाँ पर आ गई, और यहाँ पर आगे इनका नाम पड़ गया बनारसी चाट भंडार। और बनारसी क्यों? क्योंकि जो कारीगर हैं यहाँ पर वो बनारस से आए हुए हैं, तो उन्होंने बनानी शुरू करी बनारसी स्टाइल चाट, यानी आलू की टिक्की में पड़ गया दही और ऊपर से छोले, और ये हो गया टेस्ट का फ़र्क। लेकिन चाट तो चाट है जी, और क्या स्वाद आता है चाट खा के। तो सेक्टर 56 मार्केट के छोटे से एक कोने में पेड़ की छांव के नीचे आपको मिल जाएगी बनारसी चाट भंडार, जहाँ की आलू टिक्की बहुत फेमस है, स्पाइसी है, तीखी, हरी मिर्ची है, अंदर आग बढ़ रही है, जिससे पहले की आग बहुत बढ़ रहा है। फटाफट इसको ख़त्म करते हैं, गोलगप्पे खाते हैं, उसके बारे में बताता हूँ। और अगर चाट की बात हो दिल्ली में, और अगर आप गोलगप्पे ना खाएं तो आपकी ज़िंदगी कैसे आगे बढ़ेगी? तरीका गोलगप्पे खाने का बड़ा सिंपल, आगे आइए, अगर लाइन में लोग खड़े होंगे पीछे रहिए, मुँह से पानी निकलता रहेगा, आंखों में आंसू आते रहेगी, मेरी बारी कब आएगी, लेकिन बारी आपकी जल्दी आ जाएगी। और दिल्ली के मोटे मोटे कड़क गोलगप्पे, अंदर आलू और चना, और यहाँ पर नहीं, ये दिखा रहा है बड़ा मज़ेदार है। बनारसी चाट भंडार में जब आप आएंगे तो दो किस्म के पानी मिलेंगे आपको, एक हरा वाला तीखा पानी बिल्कुल स्पाइसी, और दूसरा लाल वाला मीठा पानी स्वीट। गोलगप्पे एकदम कड़क, गर्मी का मौसम है वैसे गोलगप्पे ठंडे पानी के साथ कड़क निकलते तो बड़ा मजा आता है। थैंक यू। और गोलगप्पे खाने का तरीका यही है, डिसिप्लिन तरीका, शराफत का तरीका, जैसे वो बनाए वैसे आप खाओ उसी स्पीड पे। अगर आप पीछे हो जाते हो तो लाना चाहिए आपको, अगर वो आगे हो जाए तो बुरी बात है, आपको रेडी होना चाहिए अगला गोलगप्पा रिसीव करने के लिए। तो भीड़ इकट्ठी हो रही है जैसे कि आप देख रहे हैं, 2 मिनट लिए हमने सिर्फ, लेकिन भीड़ काफी इकट्ठी हो गई। चलिए गोलगप्पे खत्म करते हैं, तो आपको आगे जाके ले जाते हैं कि यहाँ पे और क्या क्या मिलता है। सुंदर सब्जा के बीज, ऊपर सब्जा, उसके नीचे रबड़ी, उसके नीचे फलूदा, फलूदा के अंदर रोज सिरप हल्का सा, उसके नीचे ठंडी कुल्फी पिस्ते वाली, और उसके साथ सबसे नीचे ये पिंक सिरप। थोड़ा सा सब कुछ उठाइए एक चम्मच में, ऊपर देखिए, बोलिए भगवान क्या दुनिया बनाई, थैंक यू। और NCR रीजन की गर्मियों का स्वाद एक ही बाइट में आपको मिल जाएगा, यानी कि ठंडी कुल्फी ठंडे सब्जा और रबड़ी और फलूदा के साथ आत्मा तक पहुंचती हुई, सो मच फन। और इसलिए मैं आपको लेके आया हूँ इस दुकान पर, कृष्णा कुल्फी की दुकान। 12 साल पहले राहुल जी जो पीछे खड़े हैं, इनके पिताजी ने शुरू करी थी वो दुकान, अब यहाँ रखती है सेक्टर 56 के हुडा के गुरुग्राम के कोने में। तो दो दुकानें हैं, और कुल्फी है बहुत ही शानदार, और जब इसको बाकी सब चीज़ों के साथ मिलाया जाए तो ये हो जाती है जानदार, ईमानदार, और जितने दार आपको आते हैं वो भी लगा दीजिए, और बड़ी मज़ेदार। मज़ेदार क्या बात है। तो कुल्फी खाने का जो मज़ा है ना जी, गर्म दिन के बाद ऐसी जगह खड़े होके, वो अलग ही है। और सेक्टर 56 में जो दुकानों का रोज़ लगता है, यहाँ पर किसी ने क्लासिकल इंडियन म्यूज़िक लगाया हुआ है, धूप ढल चुकी है, शाम हो चुकी है, लोग सब घूम रहे हैं आसपास, एक दूसरे को देख रहे हैं, क्या नज़ारा है, क्या कुल्फी है, क्या टेस्ट है। अब बस एक ही चीज़ मिसिंग है मेरी ज़िंदगी से, पिछले 2 वीडियो से मैं वेजिटेरियन खाने खिलाए जा रहा हूँ आपको, थोड़ी कमज़ोरी सी आ रही है, तो जल्दी से कुल्फी खाते हैं, फिर मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ कि मेरी ज़िंदगी चलती कैसे है। आप में से कई लोगों ने शायद गैस नहीं किया होगा कि दोपहर से लेकर शाम तक मैं कितना तड़प रहा था, क्योंकि मुझे सिर्फ वेजिटेरियन फूड मिला खाने को। तो जब मैं घर आता हूँ लंबे ऐसे दिन के बाद, और पूरे हफ्ते के लिए मैंने कुछ नॉनवेज ना खाया हो, तो मुझे याद आती है सुगुना फूड्स की, स्टार्टिंग इन 1986 वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट ब्रॉयलर प्रोड्यूसर्स एंड वन ऑफ द वर्ल्ड्स 10 लार्जेस्ट पोल्ट्री कंपनीज। और सुगुना फूड्स का जो रिटेल आर्म है उसको बोलते हैं डेलफ्रेज। तो यहाँ पर आज मेरे पास है फ्रैंकफर्टर सॉसेजेस, ब्यूटीफुल, देखिए सामने पड़े हैं,
क्विक टू मेक, इजी टू स्टोर, एब्सोल्युटली फ्रेश, टेस्ट बिल्कुल ज़बरदस्त, और डेल फ्रेज का सलामी, एंड हाउ गुड इज इट, टू नो हाउ गुड दिस सलामी इज जस्ट टेस्ट इट। तो हम कौन होते हैं जी मना करने वाले, जब डेल फ्रेज और सुगुना फूड्स ने बोल दिया कि ये बढ़िया है, चिकन सलामी एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। चिकन सलामी की एक बाइट सॉफ्ट जूसी टेंडर, और क्या फ्लेवर है, मजा आ गया। चिकन फ्रैंक्स इजी टू मेक, और जब आप बनाएं इनका फ्लेवर एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल, यानी हर बाइट में एक जबरदस्त टेस्ट। तो अब आपको पता है कि लंबे दिन के बाद घर आके आराम नहीं किया जाता, थोड़ा सा चिकन सलामी और चिकन फ्रैंक्स खाए जाते हैं, और अब आएगी बढ़िया नींद। थैंक यू सुगुना, थैंक यू डेल्फ्रेज।